रातों रात अमीर कैसे बनो, घर बैठे सोते सोते करोड़ों कैसे कमाओ। अगर आप में से कोई किसी ऐसे जैकपॉट की तलाश में है कि एक रात में हम अमीर हो जाएं, कोई ऐसा तरीका बता दो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। यस, घर बैठे लाखों कमाने का स्कोप है, हजारों कमाने का स्कोप है और करोड़ों कमाने का स्कोप है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता, ये एक रात में नहीं हो सकता। आप में से कोई भी अगर सिस्टम को समझना चाहता है, तरीकों को समझना चाहता है, स्कोप को समझना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्कोप तो 1000 से लेकर लाखों रुपए कमाने तक का है, लेकिन हम स्मॉल गोल से शुरू करेंगे, उसके बाद आपकी मर्जी आप उसको कितना एक्सपैंड करना चाहते हो। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिस्टम, तरीके, अपॉर्चुनिटीज, कैसे आप मेहनत करके, कैसे आप लीगल तरीके से, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चल के 50,000 से 1,00,000 रुपए पर मंथ तक की प्लानिंग कर सकते हो। उसके बाद आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, कितना स्कोप एक्सप्लोर करना है, वो आपके ऊपर है। 5 ऑप्शंस मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं और इन 5 ऑप्शंस में कई ऑप्शंस का आगे स्कोप है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा, एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, रियल ग्राफ्स के साथ बताऊंगा, इंडस्ट्री नॉलेज के साथ बताऊंगा, फ्यूचर ट्रेंड्स के साथ बताऊंगा कि 2021 में कौन सी वो 5 ऑप्शंस है जिससे आप घर बैठे कमा सकते हो। और इन ऑप्शंस के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी डिग्री नहीं चाहिए, आप खुद से इन चीजों को समझ सकते हैं। इंटरनेट पे इतना मटेरियल है कि आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, आप चाहो तो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ले सकते हैं। पहला सबसे ग्रोइंग ट्रेंड 2021 का है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स का मतलब सिर्फ अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, ई-कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बदले में जब कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, जब कोई मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कोई एक्सचेंज हो रहा है, वो है ई-कॉमर्स। कोविड की वजह से जो 10 साल में ई-कॉमर्स में ग्रोथ आनी थी ना, वो 90 डेज में विटनेस हुई है। और कुछ लोगों का कहना है जब वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बाद ई-कॉमर्स वापस गिर जाएगा, वापस गिरेगा नहीं, बिकॉज ये फ्यूचर की चीज थी, लोगों ने धीरे धीरे अडैप्ट करना था, लेकिन कोविड की वजह से लोगों ने जल्दी अडैप्ट किया, बड़ी एज के लोगों ने भी ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी और उस फैसिलिटी को, उस कन्वीनियंस को फील करना शुरू कर दिया। अब देखो, ये जो ई-कॉमर्स है, ये इस तरह का कोई भी सेक्टर है, ये अपने आप में इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि एक जॉब या एक बिजनेस है ई-कॉमर्स, एक करियर है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स के अंदर कई करियर्स हैं, कई अपॉर्चुनिटीज हैं। आप चाहो तो इसको समझ सकते हो और बाइंग में इन्वॉल्व, बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हो, कैसे प्रोडक्ट्स खरीदने और कैसे ऑनलाइन बेचने हैं, कैसे पुराने जमाने का रिटेल फॉर्मेट को नए जमाने पे लेके आना है। आप चाहो तो किसी की हेल्प कर सकते हो, भाई मेरे को ये लॉजिस्टिक्स, ये प्रोडक्ट्स, ये मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, मुझे नहीं पता कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन आप किसी को अप्रोच कर सकते हो, आप किसी को जानते हो जिसके पास प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उसकी हेल्प कर सकते हो। आपको इस चीज में भी इन्वॉल्व नहीं होना, कंसल्टिंग में नहीं जाना, तो आप कई सारे ऐसे रोल्स हैं जो ई कॉमर्स प्लेयर्स को चाहिए होते हैं, ग्राफिक्स से लेके मेंटेनेंस तक, अकाउंट से लेके स्टॉकिंग तक, सप्लाई चेन से लेके लॉजिस्टिक्स तक, कई सारे ऐसे छोटे छोटे डोमेन्स हैं जहां पे ई कॉमर्स प्लेयर्स को हेल्प चाहिए होती है। छोटे ई कॉमर्स प्लेयर से लेके बड़े ई कॉमर्स प्लेयर तक आप किसी भी जगह इन्वॉल्व हो सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोइंग है। अगले साल 1-2 साल में ये $100 बिलियन टच करेगी इंडिया में, और आने वाले 3-4 साल ऑल में $200 बिलियन टच करेगी। जब ये मार्केट ग्रो करनी है तो इसमें कई सारी पोजीशंस, कई सारे रेवेन्यूज, कई सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज साथ में ग्रो करनी है। एक मैसेज ना मुझे कई बार इंस्टाग्राम पे आता है और कई बार वीडियोस के नीचे कमेंट आता है कि ई कॉमर्स के बारे में बताइए कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे कैसे प्रोडक्ट बेचें। अमेज़न फ्लिपकार्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जायंट्स है वो। लेकिन ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ वहां तक नहीं रुकना चाहिए, आप अपने लेवल पे, अपने लोकल शहर के अंदर छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो, ताकि आप अपने फर्स्ट गोल ऑफ 20,000 पर मंथ, नेक्स्ट गोल 50,000 पर मंथ, यहां तक पहुंचना शुरू करो। उसके बाद आप देखो कैसे आप जायंट्स के साथ काम कर सकते हो। सो स्टार्ट करना होगा। एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी। ये मेरी एक नोन है ऋचा गुप्ता, इन्होंने और इनकी मदर ने मिलकर ये ऊन सून नाम का एक वेंचर बनाया है, जिसमें वूल के बने हुए बुक मार्क्स, गिफ्ट्स, कोस्टर्स, एयरपॉड कवर्स और कई कुछ है। ऐसे अगर मैं सर्च करता हूं बाय पेंटिंग, तो आप देखो क्या सिर्फ अमेजॉन फ्लिपकार्ट आ रहे हैं, artavenue.com, singularart.com, dagworld.com। आई थिंक मैं अपना पॉइंट आपको समझा पा रहा हूं कि ई कॉमर्स ने तो ग्रो करना ही करना है, ये आप देखो कि इसके अंदर आप कैसे ग्रो कर सकते हो। कई सारी चीजें जो आप घर बैठे कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, आज की डेट में हर चीज डिजिटल है। डिजिटल आपको लोग भी मिल जाएंगे जो घर बैठे आपके लिए काम कर देंगे, आपको सर्विस दे देंगे। डिजिटली आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे जो घर बैठे आपको ऑर्डर करेंगे। डिजिटली आपको लॉजिस्टिक कंपनी मिल जाती है जो आपके घर से सामान लेके कस्टमर को दे देती है, कोरियर कंपनीज। अब ऐसे नहीं है कि जितने भी ऑप्शंस मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं मैंने कह दिया तो पैसे की बारिश हो जाएगी, वो है पैसा ही पैसा है, ऐसा नहीं है। स्कोप है, लेकिन नर्सरी की पढ़ाई नहीं है, और भी लोग हैं, कॉम्पिटिशन भी है। जो दूसरे लोग हैं वो भी रोटी को चोची नहीं कहते, उनको भी समझ है।
पॉइंट ये है कि आप इस इंडस्ट्री को पहचानो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो देखो आप क्या कर सकते हो। आप गूगल मैप्स के थ्रू चलना चाहते हो कि कोई प्रोडक्ट सर्च करे और आपको गूगल मैप में आप ऊपर आ जाओ और आपका इनिशियल गोल मीट हो, उसके बाद आप एक्सप्लोर करो। आप सर्च इंजन से चलना चाहते हो कि यार सर्च इंजन में एड के ऊपर मैं आ जाऊं और उससे मैं देखूं मेरा बिजनेस वॉल्यूम मीट होता है कि नहीं। आप किसी बड़े प्लेयर के साथ जुड़ना चाहते हो कि यार इन प्लेयर्स के अंदर जाके हो सकता है 2-3 ट्रायल्स भी करने पड़े, यही तो एक्सपीरियंस है, यही तो लर्निंग है। लेकिन इस चीज पे कोई डाउट नहीं है कि आज की डेट में कई लोग घर बैठे लाखों रुपए ई कॉमर्स की वजह से कमा रहे हैं। आपको डिफरेंशिएटर ढूंढने होंगे कि यार एक बार अगर कस्टमर मेरे पास आया, मैंने उससे कम भी कमाया लेकिन वो कस्टमर रिटेन किया, वो बार बार मेरे से ले रहा और वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो गया। मैं अब कैसे अपनी ई कॉमर्स स्टोर को मोबाइल फ्रेंडली बना सकता हूं क्योंकि मैक्सिमम लोग आज की डेट में फोन से ऑर्डर कर रहे हैं। मैं कैसे एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता हूं, मैं बाहर की कोई केस स्टडीज पढ़ूं, मैं थोड़ी रिसर्च करूं, मेहनत करूं, अंडरस्टैंड करूं गैप्स को। यूएस की कोई केस स्टडी पढ़ी और देखा कि इंडियन मार्केट में ये कैसे रिलेट होती है, वहां से कुछ इनोवेशंस निकलेंगी, वहां से कुछ एक्सपीरियंस निकलेगा और आप अपना कुछ क्रिएटिव कर पाओ। मैं सोशल मीडिया को यूज कर सकता हूं, मैं अपने 2000 दोस्तों को पार्टनर बना के स्ट्रेंथ डिवाइड करके जल्दी ग्रो कर सकता हूं। अगेन, मेरा इस वीडियो का पर्पस आपको स्टेप बाय स्टेप बताना नहीं है, ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बताना है, स्कोप बताना है और उस स्कोप में क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं वो शेयर करना है। इसके बाद आपको मेहनत करनी है। अब बताता हूं सेकंड ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ 2021। इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पे 360 करोड़ लोग रहते हैं, यस, चाइना से भी ज्यादा पॉपुलेशन जहां पे है, वो है सोशल मीडिया। और क्यों मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया एक ग्रोइंग ट्रेंड है और इसके अंदर क्या क्या स्कोप और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, एक बार आसपास नजर घुमाओ आपको खुद नजर आएगा। फेसबुक के अंदर शॉप का बटन आता जा रहा है, यानी कि जो ई कॉमर्स हमने पहले पॉइंट पे डिस्कस करी वो सोशल मीडिया के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। फेसबुक अपने मैसेंजर्स को मर्ज कर रहा है, मैसेंजर मार्केटिंग अपने आप में एक ऑप्शन है। इंस्टाग्राम पे रील्स ग्रो कर रही है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स ग्रो कर रहे हैं, माइक्रो वीडियो मार्केटिंग भी अपने आप में ग्रो कर रहा है। YouTube पे वीडियोस कंजप्शन इंक्रीज हो रही है, Facebook पे वीडियो सबसे तेजी से चल रही है, वीडियो मार्केटिंग इसके अंदर ग्रो कर रहा है। Twitter क्लास का वो शांत बच्चा है जो चुपचाप अपना काम करते जा रहा है। LinkedIn अलग ही अपने रोले में है, 2020 में 70 करोड़ यूजर्स LinkedIn पे आ चुके हैं। और LinkedIn पे क्या नहीं है, कॉर्पोरेट कनेक्ट है, LinkedIn पे जॉब्स है, LinkedIn पे एजुकेशन है, हर चीज आ रही है। कहां? सोशल मीडिया के अंदर। ये तो आप मानते हो ना कि हम सबकी लाइफ का सोशल मीडिया पार्ट है, कोई अच्छे से यूज कर रहा है, कोई बुरे से यूज कर रहा है, लेकिन ये सारे प्लेटफॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं और लोग जहां पैसा वहां, लोग जहां पैसा वहां। अब मैं आपसे इसमें स्कोप और इनकम की बात करता हूं। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया के अंदर इनकम में इंटरेस्टेड हैं तो दो तरीके से आप सोच सकते हैं। एक है ब्रॉड सोचना, लिखो यहां पर ब्रॉड। ब्रॉड में क्या होगा कि मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूं, मैं आपका सोशल मीडिया मैनेज करूंगा, थोड़ा 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 मुझे सब कुछ पता है, थोड़ा सा क्रिएटिव्स का आइडिया है, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक वो पता है, थोड़ा क्रिएटिव भी सोच लेता हूं, तो मैं आपका सोशल मीडिया मैनेज करूंगा। आप किसी भी लोकल बिजनेस को अप्रोच कर सकते हो और घर बैठे उनके लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन कई सारे बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेसेस ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनका सोशल मीडिया मैनेज कर ले। एक पेट शॉप ओनर, एक बेकरी, कोई जिम ओनर, ये लोग अपने काम को जानते हैं, वो उस पर फोकस करेंगे, सोशल मीडिया के लिए उनको कोई चाहिए ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे। तो आप ब्रॉडली सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो। लेकिन 2021 की बात कर रहे हैं, 2021 में स्पेशलाइजेशन का ज्यादा स्कोप है क्योंकि फील्ड बहुत बड़ा हो रहा है, तो हर चीज हर कोई नहीं कर सकता, इसमें स्पेशलिस्ट चाहिए। कई तरह की इसमें मार्केटिंग्स हैं, आप एक्सप्लोर करो कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या करना है। आपको मीम मार्केटिंग के अंदर जाना है, आपको मैसेंजर मार्केटिंग के अंदर जाना है, आपको ग्राफिक्स का शौक है, अच्छा टेक्स्ट सोच पाते हो, आपको क्रिएटिव कंटेंट के अंदर जाना है। आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के स्पेशलिस्ट बन सकते हो। लिंक्डइन के ऊपर मेरी पूरी एक्सपर्टीज है, कोई लॉयर अपने लिंक्डइन को बिल्ड करना चाह रहा है, कोई ट्रेनर, कोई स्पीकर, उसको आप सर्विस दे सकते हो। आप फेसबुक इंस्टाग्राम में एक्सपर्ट हो, आप किसी भी बिजनेस को, आप किसी भी प्रोफेशनल को इंस्टाग्राम फेसबुक मार्केटिंग मैनेजमेंट की सर्विस दे सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ग्रो करेगी, आपको लगता है आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो लेकिन आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स का कनेक्ट बना के ब्रांड्स की डील्स उठा सकते हो और उस डील में कुछ कमीशन रख सकते हो और धीरे धीरे अपनी एजेंसी ग्रो कर सकते हो। आप पहले दिन से ये ड्रीम रख सकते हो कि मुझे एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बनानी है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से, छोटी छोटी इनकम से शुरू करना है, लेकिन टीम बढ़ाते जाना है, प्रॉफिट इंक्रीज करते जाना है और अपने गोल्स को अचीव करना है, और फिर आपका स्कोप और बढ़ जाता है। अगर अपॉर्चुनिटीज की एग्जांपल्स की बात करूं तो कोई भी ऐसा ब्रांड उठा के देख लो जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो आपको नजर आएगा पीछे एक टीम काम कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल,
जोमेटो की क्रिएटिव्स मुझे बहुत पसंद है, तो ऐसा थोड़ी ना कि दीपेंद्र गोयल, पंकज चड्डा जो ओनर्स हैं, वो खुद बैठ के जोमेटो के अंदर सोशल मीडिया के अंदर कंटेंट डाल रहे हैं। कुछ लोग काम कर रहे हैं, इट मींस अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो पोस्ट मैं खींच रहा हूं, जो मेरे फोन से, वो तो मैं डाल रहा हूं, लेकिन बाकी पोस्ट, बाकी हैंडल्स को मैनेज करने के लिए कोई टीम तो काम कर रही है ना। वीडियोस सोशल मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगी 2021 में और आने वाले कई सालों में। वीडियोस के थ्रू हम सीखते हैं, क्योंकि मैं ट्रेनर हूं, कई सारी ट्रेनिंग कंपनी से मेरी बात होती है। पहले एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को अपने अपने शहर से फ्लाइट्स पकड़ के, ट्रेन्स पकड़ के दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, वहां होटल्स बुक करने पड़ते थे। दो दिन की ट्रेनिंग है तो साथ में होटल की कॉस्ट है, साथ में बुफे की कॉस्ट है, खाने की कॉस्ट है। एक ट्रेनिंग 15,000-20,000 रुपए लग जाते थे अटेंड करने में, कोर्स की भी तो फीस है। आज की डेट में वो पार्टिसिपेंट घर बैठे एक स्मॉल फीस पे करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर को ना होटल करना है, ना कोई और अरेंजमेंट करना है, सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम करना है। तो जो एक दिन की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए कई बार 15,000-20,000 लगता था, आज एक मिनिमल कॉस्ट पे वो हो पाती है। और ये चीज कंपनीज ने समझी है, लोगों ने समझी है कि कॉस्ट कम होती है, टाइम बचता है और एजुकेशन जल्दी मिलती है। सो इस तरह के कई स्कोप, कई करियर पैटर्न्स, कई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, डिस्कस करता हूं। आप वीडियोस के अंदर इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। इन्फ्लुएंसर मतलब जैसे मैं एक लाइफ स्किल्स इन्फ्लुएंसर हूं, मैं डिजिटल इन्फ्लुएंसर हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग की बातें करता हूं, मैं लाइफ स्किल्स की बातें करता हूं, मोटिवेशन पे बात करता हूं, जो भी टॉपिक्स मेरे एक्सपीरियंस के हैं, जिनके अंदर मैं रहा हूं, मैं उसकी बातें करता हूं। तो आप भी मेरी तरह एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, एक छोटी कैटेगरी में, एक छोटी शुरुआत करके, लेकिन स्पेशलाइज शुरुआत करके। आप नीश इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, जैसे गुंजन है, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, फिटनेस उसकी कैटेगरी है, फिटनेस उसकी स्पेशलाइजेशन है, उसने अपने वेट लॉस की जर्नी करी, इसलिए वो वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन की इन्फ्लुएंसर है। वो कई लोगों को हेल्प करती है फिटनेस के लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने में। इनकम की बात करें तो एक वीडियो इन्फ्लुएंसर के पास 13 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है इनकम क्रिएट करने की, एक्टिव इनकम या फिर पैसिव इनकम। लेकिन मैं ये भी कह दूं, एक इन्फ्लुएंसर जब आप बनते हो ना, तो आपकी प्राइमरी मोटिवेशन इनकम नहीं होती। इनकम जरूरी है, तभी आप बिल्ड करोगे, सस्टेन करोगे। कैमरा की कॉस्ट है, लाइट की कॉस्ट है, हर चीज की कॉस्ट है, टीम की कॉस्ट है। लेकिन उस इनकम से ज्यादा बड़ी चीज होती है सेटिस्फेक्शन, जब आप लोगों के साथ जुड़ते हो, आप जब लोगों की लाइफ में कोई चेंज क्रिएट कर पाते हो, जब लोगों को वैल्यू दे पाते हो, जब अपने कॉन्फिडेंस को एक्सप्लोर करते हो, जब आप फियरलेस होते हो, हर रोज कैमरे के सामने बैठे हो और बात कर रहे हो लोगों से। अगर मैं ये नहीं भी कर रहा होता तो पैसा तो कमा लेता ना, मेहनत करने वाले तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन इसमें जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत अलग लेवल की है। गुंजन वर्ल्ड की टॉप 4 मार्केटिंग कंपनीज में से एक, पब्लिसिस मीडिया, उसमें काम कर रही थी, अच्छा खासा पैकेज था, अच्छी खासी सैलरी थी, बट वो अच्छी खासी जॉब छोड़ के एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ शुरू करी, फिटनेस के ऊपर लोगों को मैसेज देना शुरू करा। पैसा तब भी कमा रही थी, पैसा आज भी कमा रही है, लेकिन अब साथ में एक सेटिस्फेक्शन जुड़ गई है। और अगर आप एक वीडियो इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहते, तब भी वीडियो मार्केटिंग में बहुत स्कोप है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आप किसी को जानते हो जो जिसके अंदर कोई टैलेंट है, आप उसके लिए वीडियो मार्केटिंग कर सकते हो और आपस में कोई शेयरिंग रख सकते हो। ऐसे कई कंपनीज के मैसेजेस आते हैं, कई छोटे छोटे शहरों से मेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा क्लिनिक है तो मैं कैसे वीडियो मार्केटिंग कर सकता हूँ, मेरे एक 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 सैलून है तो मैं कैसे वीडियोस को यूज कर सकता हूँ, मैं टिप्स की वीडियोस बनाऊं या अपने सैलून को कवर करूं। तो आप जहां भी हो, आपकी सिटी में आज की डेट में ऐसे कई लोग होंगे जो चाह रहे होंगे अपने ब्रांड को ग्रो करना, आप उनको अप्रोच कर सकते हो, वीडियो मार्केटिंग में उनकी हेल्प कर सकते हो कि आपका यूट्यूब चैनल, आपकी फेसबुक वीडियोस, आपका कंटेंट मैनेजमेंट ये मैं करूंगा, आपका थंबनेल क्या होगा, ऊपर टाइटल क्या होगा ये मैं करूंगा, आप अपना काम करो, आई विल वीडियो मार्केट फॉर यू। आप लोकल लेवल पे, मैं बार बार लोकल कहता हूं क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि हर शहर में स्कोप है, हर स्टेट तो यूरोप के एक एक देश के बराबर है हमारी, इतना स्कोप है इसमें। तो लोकल लेवल पे आप देखो, आपके शहर का कोई यूट्यूब चैनल है जहां पे आप न्यूज कवर कर सकते हो, आप खुद इन्फ्लुएंसर नहीं हो, आप किसी को जानते हो जो अच्छा बोल लेता है, उसको कहते हो भी लोकल न्यूज तूने रोज अपडेट करनी है। धीरे धीरे आप सिटी लेवल पे एक नोन फेस होगे या नोन चैनल होगे या नोन मार्केटर होगे, फिर आप वही चीज बाकियों के लिए कर सकते हो। अगेन मैं आपको स्पून फीड नहीं कर रहा, मैं आपको यहां पे हर चीज डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज, ट्रेंड, स्कोप, आइडियाज शेयर कर रहा हूं। और अगर आप वीडियो इन्फ्लुएंसिंग के अंदर जाना चाहते हैं, वीडियो मार्केटिंग के अंदर जाना चाहते हैं, इस फील्ड को समझना चाहते हैं, तो आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियोप्रेन्योर में एनरोल कर सकते हैं, वीडियोस प्लस एंटरप्रेन्योरशिप वीडियोप्रेन्योर। इसके अंदर हर चीज डिटेल में बताई है, अपने 8 साल के एक्सपीरियंस को 8 महीने लगा के मैं और मेरी 8 मेंबर्स की टीम ने एक बहुत ही प्यारा स्टेप, 8 स्टेप्स में हमने कवर किया है, कैमरा कॉन्फिडेंस से लेके कंटेंट से लेके ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल, थंबनेल, टैग्स एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज, हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे। अब सुनो मेरी बात, ये है कंपनी, ठीक है, रामोका का।
और ये है कस्टमर बाबा, ये जुड़ेंगे कैसे, कनेक्ट कैसे होंगे? कम्युनिकेशन से होंगे, बातचीत से होंगे, राइट? और ये कम्युनिकेशन, ये बातचीत क्या है? वर्ड्स, अल्फाज, थॉट्स, इमोशंस, क्या है ये सब? कंटेंट है जो इन दोनों में आपस में एक्सचेंज हो रहा है, जो ये कंपनी कस्टमर को दे रही है वो है कंटेंट। और यहीं पे है एक बहुत ग्रोइंग इनकम अपॉर्चुनिटी 2021 की, जो घर बैठे करी जा सकती है, जिसके लिए कोई बहुत बड़े डिप्लोमास, डिग्रीज नहीं चाहिए, 5-5 साल की पढ़ाई नहीं चाहिए, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में ये मानती है कि सेल्स हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। सेल्स टॉप प्रायोरिटी नहीं, पैसा कहां से आएगा? सेल्स की जगह कम्युनिकेशन, एंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन। अगर हम यूजर के साथ एंगेज नहीं तो सेल्स आती रहेंगी, अगर यूजर के साथ एंगेज नहीं है तो एक बार सेल आ भी जाएगी तो कंपनी कहां से ग्रो करेगी? मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूं, एग्जांपल दिखाता हूं। मुझे बात याद आ गई, एक बार मैं ऑल इंडिया एफिलिएट मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस में था, वहां पे स्पीकर था, तो इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के डिजिटल मार्केटिंग हेड वहां पे थे। उन्होंने कहा फ्यूचर में जो कंटेंट वाले लोग हैं ना, वही सेल्स ड्राइव कर रहे होंगे, और आज एग्जांपल्स इसकी नजर आती है, इसीलिए ये फील्ड ग्रोइंग है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। एक मदर ने या एक फादर ने या किसी ने भी गूगल पे जाकर सर्च किया बेबी पाउडर फॉर माय चाइल्ड, और यहां पे इस आर्टिकल पे हमने क्लिक किया। पेरेंटिंग डॉट फर्स्ट क्राई का ये है आर्टिकल, डॉक्टर आरती शर्मा ने लिखा है, और ये कंटेंट मैंने पढ़ा, मैंने कंटेंट समझा, मेरे बच्चे के लिए कौन सा बेबी पाउडर अच्छा है, इन्फेंट को चाहिए, ये मैं कंटेंट पढ़ रहा हूं। मतलब एड की वजह से नहीं, कंटेंट की वजह से मैं फर्स्ट क्राई की वेबसाइट पे पहुंच गया, उनके साथ जुड़ गया, अब मुझे उनके प्रोडक्ट्स भी नजर आ रहे हैं, अब मुझे पता है और क्या क्या है, आज नहीं तो कल मैं उनका कस्टमर बन जाऊंगा। कंटेंट के साथ वो मुझे सेल कर पा रहे हैं, कंटेंट के साथ वो अपने कस्टमर को कनेक्ट कर पाए। जूतों का शौक है, मैंने कहा यार जूते मेरे साफ होने चाहिए, मैंने गूगल पे जाके सर्च किया हाउ टू क्लीन शूज, हाउ डू आई क्लीन माय शूज, मैंने साइट खोली, साइट किसकी है, नाइकी के शूज भी नजर आएंगे, मैं नाइकी को एक्सप्लोर भी करूंगा। दूसरे तीसरे नंबर में मुझे एडिडास भी नजर आ गया। पॉइंट मेरा पहुंच रहा है, स्कोप देख रहे हो, ब्रांड्स कंटेंट बना बना के आपके मन में जो सवाल चलते हैं उनके जवाब बना बना के आपको अपने साथ जोड़ रहे हैं, आपको भी जुड़ने में मजा आएगा क्योंकि ब्रांड आपकी हेल्प कर रहा है। अगर मैं हर रोज आपको बेचने आ जाऊं आप कहोगे यार ये बहुत बेचू है, लेकिन अगर मैं दिल खोल के आपकी हेल्प करता रहूं और साथ में अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दूं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता है यार बंदा रोज हेल्प कर रहा है तो अगर प्रोडक्ट भी बनाया ना, इसने शिद्दत से बनाया है, ये हमारे साथ गलत नहीं करेगा, ये खुद भी ग्रो कर रहा है और हमें भी ग्रो कर रहा है। अब अगेन ये कोई 2021 में नया फील्ड शुरू नहीं हो रहा कि मैं बोलू रिस्क ले, ये चला आ रहा है, इसमें लोग कमा रहे हैं, इसमें स्कोप बढ़ रहा है। कुछ ट्रेंड्स हैं जो 2021 में आपको नजर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल AI और मशीन लर्निंग भी यूज होगी कॉन्टेंट मार्केटिंग में, तो आप उनके सॉफ्टवेयर को जो है उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। टेम्पलेट्स की यूजेज बढ़ेगी, कॉन्टेंट के ऊपर जो अगर किसी चीज को 8 घंटे का टाइम लगता है तो 3 घंटे में कैसे टेम्पलेट की फॉर्म में कॉन्टेंट राइटर उस पर काम कर सकते हैं। वीडियोस के लिए भी तो काफी सारे ब्रांड्स को कंटेंट चाहिए, वो भी तो कंटेंट राइटर्स लिखेंगे, कंटेंट रिसर्चर्स लिखेंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स लिखेंगे। अब जब इतना कंटेंट है तो कंपनीज को इनोवेट करना पड़ता है, स्मार्ट लोग चाहिए, स्मार्ट बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ दम है बैठे हैं, कोई होश नहीं, आवाज नहीं, उठना ना पड़े बेड से, चेयर से, और हम कंटेंट मार्केटिंग में लाख रुपए महीने तक पहुंच जाए। स्मार्ट बनना पड़ेगा, कंटेंट मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ेगी, लेटेस्ट क्या हो रहा है उनकी वेबसाइट्स, ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, क्विजेस की फॉर्म में कंटेंट से एंगेज किया जा सकता है, स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में एंगेज किया जा सकता है, कैसे लेटेस्ट सोशल इश्यूज के साथ कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है, कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पकड़े जा सकते हैं। कॉपी राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कॉन्टेंट के अंदर, जो बहुत से लोग घर बैठे करते हैं, इंडिया में बैठे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन के लिए, ऑस्ट्रेलियंस के लिए कॉन्टेंट राइटिंग करते हैं और अच्छा खासा कमाते हैं। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज कॉपी राइटर्स ढूंढती रहती है, जाके गूगल करके देख लेना यार, naukri.com पे डाल के देख लेना, फ्रीलांसर वेबसाइट्स पे डाल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ईमेल लिखने के लिए कॉपी राइटर्स वो भी अवेलेबल है जो 500 चार्ज करते हैं, और वो भी अवेलेबल है जो 10,000 to 15,000 चार्ज करते हैं। मैंने एक कॉपी राइटर से काम करवाया था जो अप्रोक्सीमेटली 1,000 पर डे मेरे से लेता था, और एक कॉपी राइटर से काम करवाया था जिसने 10,000 पर डे, एक दिन के काम का 10,000 लिया, टोटल 6 दिन का काम मैंने करवाया था, 60,000 की पेमेंट उसको करी थी, क्योंकि उसने अपनी स्किल पे काम किया होता, उसको अपने फील्ड के बारे में पता था। पहले दिन नहीं होगा, पहले दिन आप सीधा बोलो मैं 10,000 लूंगा एक दिन के काम का, मजे ही आ गए है ना, नहीं, सीखना समझना है, स्कोप है, ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे ब्रांड्स ना ऑनलाइन कम्युनिटीज बनाते हैं, जैसे हमारे सीखेगा इंडिया में भी वीडियो प्रनोर्स की कम्युनिटी है, राइट, जितने भी लोग मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करते हैं उनकी कम्युनिटी है। अब उस कम्युनिटी को मैनेज करने के लिए भी तो कम्युनिटी मैनेजर्स चाहिए, तो बहुत सारे लोग जो कंटेंट में अच्छे होते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कम्युनिटी मैनेजर, जिसमें भी आपके लिए इनकम एंड ग्रोथ का स्कोप है एंड घर बैठे करने का स्कोप है।
अगर आप कहते हो बहुत स्किल्ड नहीं है लेकिन लैंग्वेज में कमांड अच्छी है, तो ट्रांसलेशन भी एक ग्रोइंग फील्ड है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड समझते हैं कि हमारी साइट इंग्लिश में है। इंडिया में बहुत बड़ी ऑडियंस है जो हिंदी में कॉन्टेंट कंज्यूम करती है, बहुत बड़ी ऑडियंस है जो रीजनल लैंग्वेज पंजाबी मराठी गुजराती भोजपुरी बंगाली तमिल कन्नड़ इसमें कंज्यूम करते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन है कोई तो करेगा, कंपनी का सीईओ बैठ के खुद नहीं करेगा, उसको लोग चाहिए होंगे, उसको प्रोफेशनल चाहिए होंगे, उसको एजेंसी चाहिए होंगी, उसको ऐसी कंपनी चाहिए होंगी जो उसको कंटेंट सर्विसेज दे। तो आप अपनी कंटेंट कंपनी भी बना सकते हो, शुरू अकेले करोगे, धीरे धीरे टीम बनाओगे, आपका काम फिर कंटेंट राइटिंग कम और बिजनेस ज्यादा होगा, लेकिन जैसे काम आया आपको पता होगा एक्सपीरियंस, आपको पता होगा काम करवाना कैसे, आपके अंदर कंटेंट मार्केटर्स की टीम होगी। मैं जो कह रहा हूं मुझे चाबी देके नहीं छोड़ा कि कुछ भी लगाऊं, जो बोल रहा है एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस। आप जाके गूगल करो, जाके सर्च करो, देखो कंटेंट राइटिंग कंपनीज इन इंडिया नाम आ गए, ये देखो एक्सप्लोर, ये देखो जस्ट वर्ड्स, ये देखो इटैलिक्स, लोगों ने कंटेंट राइटिंग से शुरू करके कंटेंट राइटिंग की एजेंसीज बना ली, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए कंटेंट लिखते हैं। मैं 2-3 साल पहले से कंटेंट राइटिंग बोल रहा हूं, कुछ लोगों ने तब भी कमेंट किया था और अब भी कर रहे होंगे, नहीं नहीं ये कुछ नहीं होता, और कुछ लोगों ने तब शुरू किया था और आज ईमेल करते हैं कि वो अर्न कर पा रहे हैं। ये चॉइस आपकी है कि सिर्फ एक कमेंट लिख दो, नहीं जी ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं होता ऑनलाइन, कोई नहीं कमाता, या फिर दिमाग लगाना है या फिर मेहनत करनी है। सब आपके करियर लैडर की बात करता हूं, कंटेंट राइटिंग के फील्ड को अंडरस्टैंड करो, देखो कोई फ्रीलांसिंग में जॉब शुरू करो, कोई फ्रीलांसिंग में अपॉर्चुनिटी पकड़ो, कोई साइड इनकम का सोर्स पकड़ो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ो, उनको अच्छे से डिलीवर करो, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करो, धीरे धीरे आपको बड़ी कंपनीज मिलती जाएंगी। एंटरप्रेन्योर चलना है तो धीरे धीरे अपनी कंटेंट राइटिंग एजेंसी बना सकते हो, और उसके बाद आपका स्कोप 50,000 to 1 lakh रुपए पर मंथ नहीं रहता, वो स्कोप आपकी हिम्मत, आपकी विजन, आपकी मेहनत पे आता है। साथ में आपको एक और कोई दे रहा हूं, अगर शुरू में नहीं समझ आ रहा फ्रीलांसिंग साइट पे क्या करना है, तो फेसबुक के कई ऐसे ग्रुप्स होते हैं कंटेंट राइटर्स इन दिल्ली, कंटेंट राइटर्स इन इंडिया, फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स, वर्क फ्रॉम होम कंटेंट राइटर्स, वहां पे जाके आप ट्राई कर सकते हो। इंटर्नशाला जैसी वेबसाइट पे जा सकते हो और ऐसी कई ट्रस्टेड साइट से जा जा सकते हो। अगर हमने काम किया सामने से पेमेंट नहीं आई, एक आधी बार धोखा हो जाएगा, आपका प्रोफाइल बन जाएगा, एक आधी बार में समझ आ जाएगा कब पेमेंट लेनी है, कब एडवांस लेना है, कब पैसे देना है। 2 क्लाइंट बुरे मिल जाएंगे, 2 क्लाइंट अच्छे मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएंगे उनको अच्छा काम दोगे, काम रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इस चक्कर में कि अगर हमें किसी ने धोखा दे दिया हम जिंदगी में कभी कमाएंगे। मैं शुरू में जब ट्रेनिंग देने जाता था पहले ट्रेनिंग देता था बाद में पैसा लेता था, चांसेस थे कि पैसे ना मिल जाए, छूट कभी हुआ नहीं, लेकिन आज की डेट में एडवांस लेता हूं, पहले एडवांस आता है फिर मैं अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करता हूं। सो अगर मैं ये डर के बैठा रहता कि एक नुकसान हो जाएगा, इस चक्कर में अपने 100 नुकसान और कर लेता। काम करें यार, आगे बढ़े। 5th पॉइंट, मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको 5 अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा, लेकिन बीच में जब कैमरा की बैटरी बंद हुई तो मेरे माइंड में एक 6th बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी याद आई। हालांकि मैंने 5th और 6th को कहीं ना कहीं पहले 4 पॉइंट्स में कवर किया, लेकिन मैं 5th 6th में उनको डिवाइड करके अच्छे से समराइज कर पाऊंगा और आपको शायद और बेटर क्लैरिटी दे पाऊंगा। 5th जो फील्ड है वो कहीं ना कहीं पहले 4 में भी कवर हुआ है, लेकिन इसको मैं छोड़ नहीं सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज डिजिटल मार्केटिंग। घर बैठे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस है जो आप कर सकते हो, कुछ हमने डिस्कस करी है ऊपर, लेकिन जो रह गई है वो भी मुझे आपको बतानी जरूरी। इंजीनियरिंग मेडिकल या फाइनेंस फील्ड की तरह डिजिटल मार्केटिंग में कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं, हर फील्ड रिस्पेक्टेड है, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं इसमें नॉलेज ज्यादा जरूरी है। आपकी इंटरनेट कैसे काम करता है, टूल्स कैसे काम करती हैं, वो ज्यादा जरूरी है, आपके अंदर वो चुल ज्यादा जरूरी है। 450 करोड़ लोग इंटरनेट पे हैं, 450 करोड़ जहां पे हैं, तो हर कंपनी समझती है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ डिजिटल मार्केटिंग कितनी जरूरी होती जा रही है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बजट कम होते जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बढ़ते जा रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में कौन से सेगमेंट्स 2021 में हॉट रहेंगे, और अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं भी हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ। आपको 5 Ds ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पता है, 5 Ds को डिस्कस करते हैं, उसी के अंदर से कहीं ना कहीं मैं आपको बताता जाऊंगा कि व्हाट इज ग्रोइंग एंड व्हाट मे नॉट बी ग्रोइंग। 1st D, डिजिटल डिवाइसेज। डिजिटल डिवाइसेज मतलब हमारे लैपटॉप्स, हमारे मोबाइल फोन्स, इस तरह के डिवाइसेज। इनके अंदर वेबसाइट्स होती हैं, इनके अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनके मोबाइल्स के अंदर मोबाइल एप्स होती हैं। तो डिजिटल डिवाइसेज में, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेज ग्रो कर रहे हैं इंडिया में, लोगों की जो फोन्स की पेनिट्रेशन है वो ग्रो कर रही है, तो जैसे जैसे डिवाइसेज ग्रो करेंगे ज्यादा एप्स का स्कोप बनेगा, ज्यादा वेबसाइट्स का स्कोप बनेगा जितना हम डिजिटल होते जा रहे हैं। तो ऐप डेवलपमेंट अगर आप सीखते हैं तो घर बैठे आप अपनी ऐप भी बना सकते हैं, या जो ऐप बनाना चाहते हैं उनको ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सर्च इंजन्स, गूगल, याहू, ये सब सर्च इंजन्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, इनकी भी हमने बात करी, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। अब कुछ कंपनीज जो हैं लेट एंटर कर रही हैं, शुरू में एंटर नहीं करी, शुरू में सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, डिजिटली एक्टिव नहीं थे, सर्च इंजन पे एक्टिव नहीं थे,
अब याद आ रहे हैं, लेट हो गए, अब उनको पेड मीडिया यूज करना पड़ता है, एड्स रन करने पड़ते हैं। तो एड्स एक्सपर्ट, गूगल एड एक्सपर्ट, फेसबुक एड एक्सपर्ट, ये 2021 में भी ग्रोइंग रहेगा। ये ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, आगे भी ग्रो करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO पिछले कई सालों से ग्रो कर रहा है, आने वाले कई सालों तक ग्रो करेगा, क्योंकि कंपनीज अभी रियलाइज कर रही हैं कि कंटेंट के थ्रू सर्च इंजन पे हम अगर आगे आ गए तो हमारे पास अच्छे से कंज्यूमर्स आएंगे और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे आएंगे। तो SEO भी आप घर बैठे ये सर्विस सीख के, SEO में सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना सब में ही पड़ेगा, लेकिन यस, दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग फील्ड। नेक्स्ट इज डिजिटल मीडिया। ईमेल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट भी बहुत सारी कंपनीज को है, और साथ में SMS मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग एक हॉट ट्रेंड रहने वाला है 2021 पे, क्योंकि व्हाट्सएप भी थोड़ा सा ओपन हो रहा है बिजनेसेस को लेके, पहले नहीं था। बिजनेसेस के पास अब व्हाट्सएप के ज्यादा फीचर्स हैं, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डिजिटल डेटा, अब डेटा तो बहुत अवेलेबल है, मेरी वेबसाइट पे कौन आया, कितनी देर रुका, मेरा एड किसने देखा, मेरे पेज पे कौन आया, अब इस डेटा को मैनेज करना, इस डेटा को, डेटा में से अंडरस्टैंडिंग्स लेनी, उसके बेस पे स्ट्रेटेजी बनानी, कहां रेवेन्यू लीक हो रहा है, कहां रेवेन्यू लीक नहीं हो रहा, प्रॉफिट दे रहा है। सो डेटा के अराउंड भी बहुत सारी जॉब्स आएंगी। AI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का रोल रहेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बेसिक बात कर रहे हैं, अगर हम वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग, CRM टूल्स को यूज करना, मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को यूज करना, उनके थ्रू रिपोर्ट बना के स्टेक होल्डर्स को देनी, उसके लिए एज ए एजेंसी आप रिपोर्टिंग्स क्रिएट कर सकते हो। तो यस, डिजिटल डेटा के अंदर भी जॉब्स ग्रो करेंगी। लास्ट इज डिजिटल टेक्नोलॉजी। अगर कोई कंपनी ने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं किया, अगर किसी बिजनेस ने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं किया, तो उसके अंदर भी कई सारे करियर, कई सारे स्कोप बनेंगे। कैसे एक यूजर को एक्सपीरियंस दिया जाए, कैसे यूजर को एक इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस दिया जाए। सो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे करियर्स ग्रोइंग है, SEO है, ORM है, एड एक्सपर्ट है, सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, ऐप डेवलपर्स हैं, कई सारे फील्ड्स ग्रोइंग है। लेकिन आपको अच्छे से रिसर्च करनी होगी कौन सा फील्ड। फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। लैपटॉप के सामने बैठे दिमाग लगाया, काम किया। आपने डिजिटल नोमैड वर्ड सुना है, कुछ लोग डिजिटल नोमैड बनते हैं, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बैठे हैं अपने लैपटॉप पे, उस कंपनी के लिए या उस क्लाइंट के लिए या किसी के लिए या अपने लिए काम करते जा रहे हैं। मैं और गुंजन भी जब ट्रैवल करते हैं, ये उन दिनों की बात है जब कोविड नहीं होता था, तो हमारा काम साथ में चलता रहता था, इसलिए हम लंबा ट्रैवल कर पाते थे, क्योंकि काम अफेक्ट नहीं होता था। इवनिंग में घूम लिया, दिन में काम कर लिया, तो ट्रैवल का ट्रैवल, काम का काम। पर एक चीज जरूर बोलूंगा, कोई मूवी देखने से पहले भी ना, कई बार हम सोचते हैं कि चेक कर लें इसका रिव्यू कैसा है, मूवी देखें कि ना देखें। 3 घंटे की मूवी के लिए कई बार 10-15 मिनट की रिसर्च होती है, राइट? एक मोबाइल लेने के लिए 2-3 दिन रिसर्च होती है, कौन से फीचर है या तेरे पास कौन सा फोन है। और करियर चूज करने वक्त कितनी रिसर्च होनी चाहिए, जरूर सोचना। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे करियर्स हैं, कौन सा करियर आपके लिए सही है, कौन से करियर में आपका इंटरेस्ट है, कहां पे आप अर्निंग क्रिएट कर पाओगे, सीखने में मजा आएगा। यार ये भी एक शादी करने की तरह है, तो बिना सोचे समझे शादी नहीं करी जाती, टाइम बिताना है वाइफ के साथ, एक पार्टनर है, तो करियर भी तो लाइफ लॉन्ग है, इससे भी तो हमने अर्निंग क्रिएट करनी है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, रिसर्च जरूर करना। और मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, अच्छी स्किल वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। सीखेगा इंडिया के लिए हमने डिजिटल मार्केटिंग टीम सेटअप करी है, मुझे पता है 30,000 पर मंथ से लेके 1.5 लाख पर मंथ सीखेगा इंडिया के अंदर डिजिटल मार्केटर्स हैं। फ्रीलांसर्स को हम हायर करते हैं, फ्रीलांसर्स को हम पे करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे लोग मुश्किल से मिलते हैं, अच्छे लोग ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ढूंढते हैं अच्छे लोग ही हैं। 6th पॉइंट जो मैंने इस वीडियो में ऐड किया है, कहीं ना कहीं वो बाकी पॉइंट्स में कवर किया, लेकिन घर बैठे कमाने की बात करें और इस पॉइंट को हम अगर लेके ना आए बीच में और इसको डिटेल में डिस्कस ना करें, तो ये वीडियो इनकम्प्लीट रह जाएगी। वो है फ्रीलांसिंग। ऊपर की जितनी भी ऑप्शंस मैंने बताई हैं, उसमें तो फ्रीलांसिंग का स्कोप है ही, लेकिन इसके अलावा भी फ्रीलांसिंग में बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। और फ्रीलांसिंग का तो मतलब यही है कि अपने हिसाब से, अपनी फ्रीडम के साथ काम करना, राइट? घर बैठे करना है, घूमते हुए करना है। कोविड टाइम पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्टाफ था वो घर से काम कर रहा था, और फ्रीलांसर भी घर से काम करता, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये समझा कि कुछ बेनिफिट्स हैं जो फ्रीलांसर्स के साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अलग अलग टैलेंट हायर कर सकते हो। अगर आप फुल टाइम किसी को हायर करते हो, तो आप उसको सैलरी देते हो, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, इसके आगे आप नहीं जा सकते। लेकिन फ्रीलांसिंग में आप किसी की स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उससे काम करवा रहे हो, दूसरे से दूसरा करवा रहे हो, कोई लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट नहीं है। काम अच्छा चल रहा है आप कंटिन्यू रखते हो, काम अच्छा नहीं चल रहा, आपके पास ऑप्शन होती है स्विच करने की। बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आप फ्रीलांसर्स को पे करते रहते हो, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करता तो आप फ्रीलांसर्स को पे करना बंद कर देते हो। अब अगर हम फ्रीलांस कर रहे हैं तो रिस्क भी है, काम श्योर नहीं है, लेकिन घर बैठे करने की ऑप्शन है। किसी महीने कम आएगा, किसी महीने ज्यादा आएगा, तो धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी एवरेज इनकम
एक साल में कितनी आ रही है, बट ये ट्रेंड ग्रोइंग है। कंपनीज फ्रीलांसर्स को अडेप्ट कर रही हैं, फ्रीलांसर्स ग्रो कर रहे हैं, इसलिए इसको जरूर एक्सप्लोर करो। बहुत सारी साइट्स बन चुकी है, हजारों साइट्स बन चुकी है, अपवर्क है, फाइवर है, freelancer.in है, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, कई सारी डिजिटल पे वीडियोस बनाई है, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दूंगा उन वीडियोस के। जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस करे इनके आसपास वीडियोस कई सारी बनाई है। सो स्कोप की बात करूं तो जितने भी करियर हमने डिस्कस करे उसमें फ्रीलांसिंग हो सकती है, आप ई कॉमर्स में किसी के लिए फ्रीलांस कर सकते हो, आप सोशल मीडिया में जितनी अपॉर्चुनिटीज में फ्रीलांस कर सकते हो, वीडियो मार्केटिंग में आप फ्रीलांस कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में कई सारी फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा आपको ग्राफिक्स में इंटरेस्ट है, आप ग्राफिक्स सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो और फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर बनो। आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, वीडियो एडिटिंग सीखो और कंपनीज के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए फ्रीलांस में वीडियो एडिटिंग करो। आप अकाउंटिंग में अच्छे हो, आप किसी के अकाउंट फ्रीलांस में मैनेज कर सकते हो। आप ट्रेनिंग में अच्छे हो, आप किसी कंपनी को ट्रेन कर सकते हो उसके एम्प्लॉइज को फ्रीलांसिंग में। जब भी ट्रेन करूंगा तब मैं चार्ज करूंगा। आपकी टेक बैकग्राउंड है, आप ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट इसमें फ्रीलांस कर सकते हो। आपकी लॉ बैकग्राउंड है, मेरे साथ हर्षित है, हर्षित लॉयर है, ये पहले कई सारी लीगल कंपनीज के लिए फ्रीलांस लिखते थे, फ्रीलांस उनको रिसर्च आर्टिकल्स, उनके कंटेंट पेपर्स लिखते थे। सो अपने इंटरेस्ट को देखो, स्किल चूज करो, उसको सीखो, उसमें फ्रीलांस करना शुरू करो। पहले दिन में बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी, शुरुआत छोटी करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, लेकिन एक्टिवली चलो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपना प्रोफाइल बनाओ। धीरे धीरे का मतलब सालों नहीं है, धीरे धीरे का मतलब है 2-4 महीने में अपना स्पेड वर्क करके एक अच्छे इनकम पे पहुंचो, अच्छे से काम करो, अपने क्लाइंट्स का ट्रस्ट गेन करो। एक बार किसी ने आपसे काम करवाया वो कहीं और जाए ना, ऐसी सर्विस दो, फिर धीरे धीरे जो आपकी सर्विस की फी है वो इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर तो आपकी प्रायोरिटीज है कि बस यार एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, एक नॉर्मल इनकम आती रहे तो चलता रहेगा, और अगर मेरी तरह थोड़े टेढ़े हो कि यार नए चैलेंजेस हो, नेक्स्ट बड़ा क्या करना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, तो आप उसी स्किल के अंदर अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो, उनको ट्रेन कर सकते हो, काम आया टीम से करवाया और आप अपने आप को एज अ बिजनेस ग्रो कर रहे हो। यूट्यूब के साथ साथ शुरू में मैं फ्रीलांस ट्रेनिंग करता था, कई सारी कंपनीज में जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता था, 3 दिन की वर्कशॉप्स करता था। आज सीखेगा इंडिया, विच मींस हम ट्रेनर्स के साथ काम कर रहे हैं। सो फ्रीलांसिंग से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप भी जाओ। सो ये थी वो अपॉर्चुनिटीज जो मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी रिसर्च से, जो डिजिटल के लोगों को मैं मिलता हूं उनसे बात करके, जो आर्टिकल्स मैं पढ़ता हूं उनसे निकाल के मैंने आपके साथ शेयर करी है। इस तरह की और कौन सी वीडियो आपको चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आप एक वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, ये वीडियो इंडस्ट्री को समझना चाहते हो, स्किल को मास्टर करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो प्रनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम का। इस ग्रोइंग स्किल को आप मास्टर कर सकते हो, डिजिटल दुनिया को समझ सकते हो, कंटेंट कैसे काम करता है, ऑडियंस कैसे काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करती है, रेवेन्यूज कैसे काम करते हैं, फनल्स कैसे काम करते हैं, सब कुछ इस ट्रेनिंग के अंदर बताया है। कुछ लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, कुछ धीरे ग्रो कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी मेहनत है, लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि शिद्दत से बहुत वैल्यू उनको मिली है। ऑफ कोर्स मैं आपको जबरदस्ती कभी नहीं कहूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तब भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लो, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो बहुत दिल से बनाया है, इसको एक्सपीरियंस जरूर करो। 8 साल में इतनी वीडियोस में इतना कुछ दिया है, अगर किसी चीज को हमने पेड किया इतने सालों बाद, कोई तो कारण होगा, कोई तो वैल्यू उसके अंदर होगी। सो आई होप कि आज की वीडियो से आपके माइंड के होराइजंस एक्सप्लोर हुए होंगे, ब्रॉडन हुए होंगे, कुछ नई चीजें आपको पता लगी होंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके काम आएंगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, मैं इसी तरह से वीडियोस का सिलसिला बढ़ाता रहूंगा, सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।